हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्टाउंडिंग इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो भी 15 फाइनेंस का रिक्रूटमेंट चल रहा था फॉर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो भी एडवर्टीजमेंट इससे पहले आया हुआ था 14 फाइनेंस के अंतर्गत, उसमें से दो तीन पोस्ट था लाइक कंप्यूटर सह लेखा लिपि एंड फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो उसके लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो रुक गया था। ठीक है, वो रुका इसलिए था क्योंकि करंट पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए उसको स्थगित कर दिया गया था। अब जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो ग्रिड ज़िला है उसका जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट वो आ गया है, क्योंकि एक्चुअली ये जो मेरिट लिस्ट आया है ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है। इससे पहले एक और मेरिट लिस्ट दिया हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, एक्चुअली उसमें ना पहले वाले में क्या था कि उसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ था, कैटेगरी वाइज जो भी मेरिट लिस्ट था वो नहीं हुआ था। तो उसको रिवाइज करके थोड़ा नए रिफॉर्म्स के साथ इसको ये जो लिस्ट है ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये है फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ऑफ ग्रेडी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो 15वीं वित्त आयोग के अनुसार जो जेई यानी कनीय अभियंता एंड लेखा लेपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर के अनुबंध पर आधार नियुक्ति के नियम कार्यालय जिसका विज्ञापन संख्या इतना डेट 15/4/2021 को निकाला गया था, उसके लिए जो प्रारंभिक मेगा सूची है वो 6 अप्रैल को जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे प्रीवियस मेरिट लिस्ट था वो जारी किया गया था 16 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक और नोटिस था कि सबको रिपोर्ट करना था जिसका इसका मेरिट लिस्ट में था टू द ग्रेडी ऑफिस। ठीक है, मतलब 20 या 21 अप्रैल को था वो, लेकिन उस समय जब COVID-19 का केस था वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था तो वहाँ पर नहीं हो पाया था उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम उसको रोक दिया गया था। अब यहाँ पर फिर से रिक्रूटमेंट जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए रिवाइज्ड लिस्ट निकाला है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि लिस्ट मतलब कौन सा लिस्ट है और किसका इसका नाम है। जैसे आप लोग का नाम है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और कितने रैंक पे है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ओके, वो मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में झारखंड सरकार के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार के परीक्षाओं पर रोक लगाया गया है। अंतर राज्य स्तर से लिखित दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण करने के उपरांत तत्संबंधित तिथि का सूचना अलग से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी इंटरव्यू या रिटन एग्जाम डेट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर ये 3 महीने तक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलिए आप देखते हैं जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार किया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिवाइज्ड प्राइमरी मेरिट लिस्ट है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज्ड प्राइमरी मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है, मतलब इट इज़ नॉट फाइनल। कोई भी करेक्शन करना होगा तो इसमें करेक्शन हो सकता है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अंडर 15 फिनांस कमीशन, ठीक है, अंडर 15 फिनांस कमीशन के अंडर जूनियर इंजीनियर के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये लिस्ट ऐसा जारी किया गया। आप ये लिस्ट जो greedy.nic.in में जाके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर दिखाने का ये मकसद है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस वाला लिस्ट था उस कैटेगरी वाइज उस पर नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ना कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कैटेगरी है इसमें अनरिजर्व्ड है, एज यू कैन सी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी है, पहले तो अनरिजर्व्ड में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हुए उसका सारा मार्क्स या सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ, लाइक क्या एड्रेस है, क्या मार्क्स है, कौन सा कास्ट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज ऑफ डिग्री है, कौन सा डिग्री है। ठीक, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इसके बाद एससी के लिए दिया गया है। ठीक है, एससी के लिए दिया गया, तो एससी में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए उसके मेरिट वाइज लिस्ट बनाया गया है, यानी जो जितना मार्क्स स्कोर कर रहे वो दिया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ टाइड ऑफ मार्क्स, यानी इन केस दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ रहा है
तो उस पे जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है यानी जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पे 50 मार्क्स सबको मिला है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसके लिए फिर 5 मार्क्स मिला है फॉर बीटेक एंड 10 मार्क्स मिला है फॉर एमटेक। यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडिडेट की अब मैं बात करूँ, चलो मैं एमटेक वाला ले लेता हूँ कोई भी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का बी है, बीटेक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यानी जो क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग का वो है, तो 50 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदर हायर क्वालिफिकेशन, तो इसका सिंस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था और तो अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इसका बीटेक हो गया, तो बीटेक में एक्स्ट्रा 5 मार्क्स इसको मिला है, ठीक है। तो इस तरह से मेरिट ये बनाया गया है। तो इतने कैंडिडेट हो गए 80 से, ST से, फिर यहाँ पे BC1 से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप BC1 से देख सकते हैं, ये वाला BC1 से है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है उसका लिस्ट तैयार किया गया है। टोटल की बात करें तो टोटल 78 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि जो भी सीट था दैट वाज 26, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स सिलेक्ट किया है, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 26 बाई 3 विल गेट 78, ठीक है। 3 टाइम्स बुलाएगा और जो भी इंटरव्यू है या रिटर्न टेस्ट है उसका डेट आना बाकी है दोस्तों। मैं बता दूं कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में डेफिनेटली ये रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। एंड कोई भी अपडेट आपको जानना है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अपडेट ऐसा अपडेट लाता रहता हूँ। ओके, थैंक यू गाइज़।